दोस्तों, टेक्निकल मानव चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस नई वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो अपना रिज्यूम होता है वो किस तरह बनाया जाता है, और अच्छी जॉब पाने के लिए जो है आपका अच्छा रिज्यूम होना बहुत ज़रूरी है। और रिज्यूम में क्या करना होता है दोस्तों, कि अपनी जो सारी आपकी जो आपके अंदर स्किल्स हैं, क्वालिटी हैं, वो आपको सारी जो है ढंग से जो है डिस्क्राइब करनी होती है अपने रिज्यूम में। अगर आप वो ढंग से डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, अपना इंट्रोडक्शन जो है अपने रिज्यूम से आप नहीं दे पाएंगे, तो आप जॉब के लिए सिलेक्टेड नहीं हो पाएंगे। तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो आपको अपनी स्किल्स होती हैं वो जो है वो दिखानी पड़ती हैं, और उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन आपको ऐसा हो आपके रिज्यूम में कि आपको अपने जो है मुँह से ना बताना पड़े। तो आइए चलते हैं मेरी मोबाइल स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरह बनाते हैं अपना बढ़िया रिज्यूम। तो आइए चलिए, सबसे पहले तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर खोलने के बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको टाइप करना है इंटेलिजेंट सीवी। इसमें आपको इंटेलिजेंट सीवी जो है वो सर्च करना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये आ गया आपको रिज्यूम बिल्डर 2021। ये तो मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है जिससे वीडियो में ज़्यादा समय जो है वेस्ट ना हो। तो आइए इसमें मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले से ओपन कर लेते हैं। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया होगा तो आपके जो फ़ोन में इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप ऐसा पेज देखेंगे अपना जब आप ऑन करेंगे, उसके बाद ये नीचे कॉर्नर में आ रहा है क्रिएट का, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। अब देखिए फ्रेंड, जो है मेरी फ़िलहाल जो है नेट चल रही है, तो इसमें ऐड आएगा, ऐड शो होगा, वो हटाना पड़ेगा मुझे। ये ऐड मैं हटा देता हूँ, एक मिनट। ये देखिए मैंने क्लोज कर दिया ये ऐड। उसके बाद क्या होगा आपका, मैंने पहले से आपको क्रिएट न्यू प्रोफाइल करना है। ये समझ लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है, इस तरह मिलेगा आपको। आपको क्रिएट न्यू प्रोफाइल करना है, प्लस के वाला बटन पे दबाना है, नीचे कॉर्नर में था जो। उसके बाद आएगा आपका पर्सनल डिटेल, सबसे पहले आएगा आपका नाम, जैसे मेरा नाम मानव है तो मैं मानव डाल देता हूँ। उसके बाद मेरा एड्रेस जो भी है मैं वो डाल देता हूँ इसमें। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद मेरी जो ईमेल आईडी है मैं वो डाल दूंगा, आपकी जो भी हो आप वो डाल सकते हैं। फिलहाल मैं एग्जांपल के लिए ये ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, फ़ोन नंबर मैं ऐसे ही डाल देता हूँ, फ़ोन नंबर जो आपका हो वो डाल दीजिए आप। उसके बाद फ़ोटो ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हैं नहीं, अगर आप अपने रिज्यूम को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो फ़ोटो लगवा दें, वरना ऐसी कोई दिक्कत नहीं है फ़ोटो की, ये ऑप्शनल है। उसके बाद हम आ जाएंगे सेव पे, सेव वाला बटन पे हमने क्लिक कर दिया, ये हमारी पर्सनल डिटेल जो है वो जो है सेव हो गई। अब आएगा सेकंड एजुकेशन का। एजुकेशन में क्या आएगा आपका, सबसे पहले मान लीजिए आपने BCA किया हुआ है तो इसमें BCA डाल दीजिए। उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, जैसे मैं डाल देता हूँ कोर, कोर डाल दिया मैंने। ग्रेड कितना मिला है आपको 10 में से, तो मैं 8.0 डाल देता हूँ। ईयर में कौन से में पास किया है आपने, 2020 में किया है, तो मैं 20 डाल देता हूँ। ये सेव हो गया फ्रेंड्स। अगर आप इसमें अपना जो है 10th और 12th का डालना चाहते हैं तो उसमें ऐड करके आप यहाँ पे अपने कोर्स वगैरह का जो आपका हो, यहाँ पे 12th आ जाएगा, स्कूल यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा, ग्रेड आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ईयर जो भी होगा, आप उसे सेव कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आ गया आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में क्या आएगा, मान लीजिए कंपनी एक में मैंने काम किया है, शेड ऑफ एक्स में, शेड ऑफ टेक्नोलॉजी मैंने डाल दिया। उसके बाद जॉब टाइटल डाल दूंगा मैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर डाल देता हूँ मैं। उसके बाद स्टार्ट डेट जो भी होगी वो मैं डाल दूंगा, डिटेल डाल दूंगा जो मेरा वहाँ पे काम था। मेरा काम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का था, आई मेक सॉफ्टवेयर देयर। उसके बाद मैं इसे सेव कर दूंगा, ये सेव हो गया दोस्तों। मैं फटाफट जो है वीडियो इसलिए बना रहा हूँ जिससे जो है लंबी ना हो वीडियो। इसमें आपकी स्किल्स आ गई,
आपकी स्किल्स आ गई। मान लिया मुझे लैंग्वेज में जो है सी लैंग्वेज मुझे आती है, तो आपको जो भी स्किल्स हो आप वो डाल सकते हैं। सी लैंग्वेज प्लस सी प्लस प्लस डाल देता हूँ, ये आपके लेवल है, किस किस लेवल तक आपको आती है। सी प्लस प्लस डाल देता हूँ मैं, सी प्लस प्लस लैंग्वेज डाल देता हूँ, उसके बाद मैं सेव कर देता हूँ इसको। उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव आप डाल सकते हैं, आप जो है नेट पे से भी जो है कॉपी करके ऑब्जेक्टिव डाल सकते हैं, या आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। टू वूम विद द ऑर्गेनाइजेशन, टू ऑर्गेनाइजेशन विच कैन प्रोवाइड मी एनवायरमेंट, एनवायरमेंट फॉर यूटिलाइज माई स्किल्स एंड नॉलेज। एंड माई नॉलेज डाल सकते हैं आप। उसके बाद ये हो गया कंप्लीट, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। उसके बाद जो है, जो आपने प्रोजेक्ट अगर कोई अपना बनाया हो कॉलेज में लास्ट टाइम में, तो आप वो डाल सकते हैं। ऐड मोर सेक्शन में जाके आप डाल सकते हैं पब्लिकेशन का, लैंग्वेज, लैंग्वेज कौन सी आती है आपको, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश डाल देता हूँ, जिसे बंगाली आती हो बंगाली डाल दे, जिसे मराठी आती हो मराठी डाल दे, ऐड कर बटन दबा। उसके बाद लैंग्वेज टू डाल दे जो उसे आती हो, जैसे मैं डाल देता हूँ रशियन, जो भी मतलब लैंग्वेज हो वो लैंग्वेज आप डाल दो। उसके बाद आप इसे सेव कर दीजिए। उसके बाद आपका क्या आएगा, व्यू सीवी, व्यू सीवी पे आपको सिंपल क्लिक कर देना है। इसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें जो है ऐड आएगा, मैं ऐड हटा के आपको दिखाऊंगा, व्यू सीवी आ जाएगा। उसके बाद ये मैं क्लोज कर देता हूँ इसे। इसमें ये देखिए फ्रेंड्स, आप जो है इतने प्रकार के जो है अपने रिज्यूम बना के देख सकते हैं। ये देखिए कितने प्रकार के, जो आजकल के मॉडर्न रिज्यूम चल रहे हैं फ्रेंड्स, ये चल रहे हैं प्रोफेशनल वाले तो इस तरह में आते हैं, मॉडर्न वाले इस तरह में आते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी मैं यहाँ पे प्रोफेशनल, मेरा कोर्स है BCA, तो मैं सिंपली जो है ये रिज्यूम पे कर दूंगा, तीसरे वाले रिज्यूम पे, आपको कोने में दिख रहा हो तीसरे वाले रिज्यूम पे मैंने कर दिया है क्लिक, और देखिए ये डाउनलोड हो गया मेरा रिज्यूम। इसे मुझे क्या है डाउनलोड कर लेना है, व्यू डाउनलोड कर दूंगा मैं। और फ्रेंड्स फिर से ऐड आएगा इसमें जो है, क्योंकि ये ऐप में गूगल एडसेंस लगा देते हैं, अगर ज़्यादा जो है व्यू होने लगते हैं ऐप पे, तो क्लोज कर देता हूँ मैं इसे। तो देखिए फ्रेंड्स ये रहा मेरा रिज्यूम, आप जो है इसमें कुछ एडिटिंग भी कर सकते हैं और जो है और एक्सपीरियंस भी डाल सकते हैं, तो आपका जो है ये पेज जो है नीचे तक भर जाएगा। तो यही थी फ्रेंड्स आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।